Assalamualaikum, welcome to another vlog. और कैसे आप सब? इस टाइम मैं मौजूद हूँ सेंट एलिस वर्ल्ड गार्डन में. तो ये पूरा एक मैप दिया हुआ है जिसमें टेनिस कोर्ट भी है, बॉलिंग ग्रीन भी है, बॉल्स पवेलियन है और प्ले ग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें हैं. तो दिखाता हूँ सबको. लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें. मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग चैनल पर आते हैं, वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते. एक तख्ती लगाई हुई है, कब ये ओपन हुआ था? 1908 में. तो ये भाई 1908 में इसका इफ्तिताह हुआ था. तब से लेकर आज तक कितनी गवर्नमेंट आ चुकी होंगी, लेकिन तख्ती वही है. पाकिस्तान में नई गवर्नमेंट आती है, प्रोजेक्ट वही होता है, तख्तियाँ बदल जाती हैं. खैर, ये एक इशारे दिए हुए हैं कि कौन सी चीज़ किधर है. बहुत ही सुहाना मौसम, आज धूप निकली हुई है. सबसे पहले भाई ये चेक करो, टेनिस कोर्ट. पाकिस्तान में तो हम लोग आज भी समझते हैं कि दुनिया में सिर्फ एक ही खेल है, वो है क्रिकेट. लेकिन हकीकत में क्रिकेट के अलावा भी बेशुमार खेल हैं, बास्केटबॉल, फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, स्नूकर. लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारा कौमी खेल तो हॉकी है, लेकिन सहूलतें ना होने की वजह से वो इतना दूर हो चुका है कि क्रिकेट, हर बंदा क्रिकेट खेलता है. वो क्रिकेट खेलने के लिए आपको सिर्फ एक बॉल चाहिए, एक बैट चाहिए और आप गली में भी खेल सकते हो. लेकिन अगर आप टेनिस खेलनी है तो ऐसा कोर्ट चाहिए होगा, रैकेट चाहिए होंगे, ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है. यहाँ पे गार्डन है, लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं. हमारी बदकिस्मती यही रही है कि ये सहूलतें हमें मिली नहीं है. अभी ये बच्चे आएंगे जब टेनिस खेलेंगे, तो इन्हीं में से कोई बच्चा कल को निकल कर एंडी मरे, राफेल नडाल या नोवाक जोकोविच बनेगा और मुल्क का नाम रोशन करेगा. जब हमारे मुल्क में टेनिस कोर्ट ही नहीं होंगे तो कोई क्या टेनिस खेलेगा और क्या कुछ बनेगा. इस साइड से चलते हैं. बहुत ही खूबसूरत पार्क है जिसमें टेनिस कोर्ट भी दिया हुआ है, एक्सरसाइज के लिए एक मखसूस जगह भी आपको मैं दिखाई थी, वहाँ पे बूढ़े लोग एक्सरसाइज कर रहे थे. यहाँ पे भी रोड टूटे हुए हैं, पाकिस्तान वाली हालत है. लगता है कॉन्ट्रैक्टर पाकिस्तान से यहाँ पे आ गया, इसने रोड बनाया. बेंचेस लगे हुए हैं आराम करने के लिए, चिल करें. आंटी धूप लगवा रही है. जैसे ये बेंच पड़ा हुआ है, तो कहने का मकसद है, पहले ही वीडियो में दिखाता रहा हूँ कि ये सहूलतें जो है वो बेसिक नीड्स हैं, ये हमारा हक है जो हमें दिया नहीं जा रहा. ये टेनिस कोर्ट हम भी डिज़र्व करते हैं. ये चीज़ें हमें मिलेंगी तो हमें मुल्क हमारा आगे बढ़ेगा स्पोर्ट्स में. जब हमें टेनिस खेलने को नहीं मिलेगा, बैडमिंटन खेलने को नहीं मिलेगा, तो फिर पाकिस्तान में सिर्फ क्रिकेट ही खेल सकते हैं और वो भी कारकर्दगी कैसी हमारी टीम की आपके सामने है. तो उसको लेके आए हैं लोग वॉक करने के लिए. इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर आपको कोई भी रोक नहीं सकता बाग में आने से,
कोई पार्किंग टैक्स नहीं है। पाकिस्तान में तो ऐसी कोई चीज़ बन जाए जहाँ पर लोग आना जाना शुरू होता है तो सबसे पहले वहाँ पे पार्किंग टैक्स शुरू रहता है कि भाई गाड़ी पार्क करोगे तो उसके 10-20 रुपए। बिल्कुल चिल एनवायरनमेंट है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, यहाँ पे लोगों ने सफाई का अपनी तरह से बड़ा ख्याल रखते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से तो सफाई होती है लेकिन खुद लोग खुद भी यहाँ कचरा नहीं करते। जैसे एक कैंटीन बनी हुई है बेंचेस है लेकिन कोई कचरा नहीं होगा क्योंकि आवाम को पता है ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने इसे साफ करना है। हुकूमत की भी है लेकिन एज अ ह्यूमन उनकी भी है। काफ़ी रकबे फैला हुआ है पार्क, जैसे मैंने आपको मैप दिखाया था। कुत्ता बॉल लेके जा रहा है, उसका मालिक बॉल फेंकता है तो कुत्ते को ऐसा ट्रेन किया हुआ। सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं फिर देखते हैं, ऊपर से व्यू दिखाता हूँ आपको। मेरी वीडियोस में जो बातें करता हूँ लोग बुरा मानते हैं कि आप पाकिस्तान को इतना बुरा भरा कह रहे हो, लेकिन मैं बुरा बुरा नहीं कह रहा, मैं आपको रियलिटी दिखा रहा हूँ। यहाँ पे लाइफ का जो लेवल है वो कैसा है, समझ रहे हो ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये लोग यहाँ कुत्तों को लाए उनसे खेल रहे हैं, उधर टेनिस कोर्ट बना हुआ है, कैंटीन बनी हुई है, सफाई देखें आप, कोई किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रहा। वो आंटियाँ बैठी हुई हैं, वो कुत्तों का खेल रहे हैं, ये कबूतर को दाना डाल रही है। एक और सुकून माहौल, उसके बाद हम पहुंच गए हैं प्ले एरिया में जो मैप में आपको दिखाया था। नीचे उतरते हैं, व्यू चेक करो, बहुत ही खूबसूरत मंजर, और सामने सोलर प्लेटें लगी हुई हैं। ये है एक छोटा सा एक आम सा पार्क और यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल। तो एट द एंड ऑफ द डे बात फिर वही आ जाती है कि जब तक हमारी गवर्नमेंट सही नहीं होगी, हमें फैसिलिटीज नहीं दी जाएंगी, कैसे कोई टैलेंट आगे आएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन जब तक टैलेंट को सही मौका और अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी, टैलेंट कैसे आगे आएगा और मुल्क का नाम कैसे रोशन होगा। आज से मुल्क में एक ही स्पोर्ट खेला जाता है, वो है क्रिकेट, और उसके भी हालात आपके सामने हैं कि क्या हालात हो गए। हॉकी कहीं दफन हो चुकी है, फुटबॉल तो आप समझ लें इंटरेस्ट है ही नहीं क्योंकि ना कोई ग्राउंड है और ना ही फुटबॉल की इतनी कोई फैन फॉलोइंग है। बैडमिंटन था, स्क्वाश था, तो वो भी पाकिस्तान उसमें भी बहुत दूर जा चुका है उससे भी। तो मेरी तो गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये होश के नाखून लें और ये फैसिलिटीज़ आवाम को दें। आवाम बहुत डिस्टर्ब है इस टाइम। बाकी मुझे शहर का नहीं पता, कराची की 90% आवाम पाकिस्तान छोड़ने को तैयार है एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए।
तो आज के व्लॉग का एंड करते हैं यहीं पर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए भाई को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में।